अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आपको घर बैठे अपनी पंजाब नेशनल बैंक की कस्टमर आईडी या यूजर आईडी को पता करना है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में कम्प्लीटली प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक बहुत जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक की इंटरनेट बैंकिंग को यूज करने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है यूजर आईडी। यूजर आईडी के बिना आप इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन सर्विसेज यूज नहीं कर पाएंगे, आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं। You are right, bro. तो हम आपको यूजर आईडी पता करने का प्रोसेस बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करना है PNB नेट बैंकिंग। फ्रेंड, जैसे ही आपने PNB नेट बैंकिंग सर्च किया, उसके बाद पहले ही ऑप्शन पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट कॉर्नर पर एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलेगा रिटेल इंटरनेट, तो आपको सिंपल से रिटेल इंटरनेट पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर नो योर यूजर आईडी। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, नो योर यूजर आईडी पर सिंपल सा क्लिक कर देना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद ऑप्शन आता है, आपको अपना अकाउंट नंबर डालना पड़ता है और अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है आपको उसको फिल कर देना है। आप चाहें तो पैन कार्ड नंबर से भी आप अपना वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम अपना अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ को फिल करके वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, वेरीफाई करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया गया होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हमारा मोबाइल नंबर ऊपर शो हो चुका है और नीचे यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड मांग रहा है, तो हम अपना वन टाइम पासवर्ड फिल कर देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। दोस्तों, कंटिन्यू करते ही हमारी कस्टमर आईडी हमारे सामने शो हो चुकी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, योर यूजर आईडी फॉर इंटरनेट बैंकिंग इज, यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसको ब्लर किया हुआ है ताकि सिक्योरिटी यहाँ पर बनी रहे। तो फ्रेंड, आप इस प्रकार से आसानी से घर बैठे ही अपने कस्टमर आईडी या यूजर आईडी प्राप्त कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका मोबाइल नंबर बैंक के साथ लिंक होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।